ये वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। हो गया आज का योगा सेशन बाय द पूल। पूल अभी तैयार नहीं है, पर पूल के साइड में आज का योगा सेशन हो गया है। अच्छा था, हवा चल रही थी हल्की हल्की, गर्मी तो है, खैर उसका तो क्या कर सकते हैं, बट इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस कि कुरुक्षेत्र में योगा किया हमने, मज़ा आया। फिफ्थ फ्लोर का अभी रिनोवेशन चल रहा है, स्विमिंग पूल वहाँ बन रहा है, इसलिए लिफ्ट से एक्सेस नहीं है वहाँ के लिए। ये है मेरा रूम, तैयार हो चुके हम लोग, ब्रेकफास्ट टाइम। पहुंचा है हम लोग ज्योतिसर। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे गीता के, तो ये वही स्थान है। ये कुरुक्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर बाहर है। तो खैर आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। एंशिएंट शिवा टेम्पल विटनेस ऑफ फॉरेन अटैक्स। तो बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारे नए मंदिर, बहुत सारे नए सेंटर्स बन रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। बहुत ही भव्य, बहुत ही पुराना ये बरगद का पेड़, जिसकी रूट्स बहुत बाहर तक आ चुकी हैं, और वो बंदर बैठा हुआ ऊपर वहाँ पर। तो ये था पूरा परिसर ज्योतिसर का, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। तो बहुत ही छोटा सा प्रांगण है, पर तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर महाभारत की शुरुआत यहाँ से ही हुई थी, जब उन्होंने गीता सुनाया था और अर्जुन का मन बदला था, इसके बाद ही महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। तो एक अच्छी सी छोटी सी स्थल है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का प्रभाव नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो कि बाहर से आए हुए हैं, ज़्यादातर लोग लोकलाइट्स हैं, कुरुक्षेत्र या इसके आसपास हरियाणा के लोकल लोग हैं, वही आते हैं। फिलहाल अभी तो जो मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल खाली है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कोई भी श्रद्धालु नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम लोग ही हैं यहाँ जो है। खैर अच्छा लगा यहाँ पे आ करके ज्योतिसर, और 8 किलोमीटर है ये कुरुक्षेत्र से। अब चलते हैं हम लोग वापस। आ गए हैं वापस, बाहर बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और 11 बज रहा है अभी यहाँ से, तो 12 बजे हम लोग का चेकआउट का टाइम है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और वापस दिल्ली की तरफ वापस बढ़ेंगे घर के लिए। थोड़ा पानी पीते हैं, पसीना सुखाते हैं, थोड़ा कूल डाउन होते हैं, और फिर यहाँ से रवानगी वापस की तरफ। कुरुक्षेत्र अच्छा लगा यहाँ पर एक नाइट स्टे, छोटी डेस्टिनेशन है, ज़्यादा समय यहाँ नहीं गुजारा जा सकता। चलते हैं वापस घर। चलो स्विमिंग पूल का काम हो रहा है टेरेस पे, और ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर एक छोटा मोटा मार्केट है, तो यहाँ पे मैकडी है आपको, और एक स्वीट शॉप है, तो आपको खाने पीने का थोड़ा आइटम यहाँ मिल जाएगा। चलो 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 अंदर चलो। और
पहुंचा है हम लोग गाजियाबाद। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और अब ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं। तो पहुंच आए घर और जल्दी पहुंच गए हम लोग। लगभग 3 घंटों में हम लोग 12 बजे के अप्रोक्सीमेटली चेकआउट किया और 3 बजे हम लोग अपने घर पर थे। बढ़िया था, कुरुक्षेत्र जा करके मजा आया। उसके बारे में जान करके वो लैंडस्केप देख करके अच्छा लगा कि जहाँ पर कहीं इतना बड़ा युद्ध महाभारत जहाँ हुआ वैसी जगह पर गए, वैसी जगह पर जाकर के उन स्पॉट्स पर जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो ब्रह्म सरोवर है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने बैठ करके इस पूरी दुनिया की रचना करी, ब्रह्म सरोवर, वो जगह देखी तो अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप भी जाते हैं तो एक छोटा सा हॉलीडे आप कुरुक्षेत्र के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ी जगह नहीं है, रुकने की भी बहुत लग्जरी ऑप्शंस नहीं है, छोटे मोटे ऑप्शंस हैं, पर एक रात दो रात के लिए आप बिल्कुल कुरुक्षेत्र एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। बाय बाय, टेक केयर।